गरुड़ पुराण आत्मा की अनंत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को उजागर करता है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि हमारे कर्म और धर्म का पालन कैसे हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। यह पुराण हमें मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अमर है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह विभिन्न जन्मों और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। आत्मा की यह यात्रा अनंत है और यह हमारे कर्मों और धर्म के पालन पर निर्भर करती है। शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण हो। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक चलती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा कैसी होगी, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण हो। यह यात्रा कैसी होगी, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की अनंत यात्रा को भी प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण हो। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक चलती है। यह ज्ञान हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण हो। यह हमें यह भी बताता है कि आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक चलती है। आइए गरुड़ पुराण के माध्यम से आत्मा की इस अनोखी यात्रा को समझें। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण हो। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक चलती है। गरुड़ पुराण के माध्यम से हम आत्मा की इस अनोखी यात्रा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शरीर का त्याग और यमदूतों का आगमन। मृत्यु के समय आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों का रूप बहुत डरावना होता है। वे आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां धर्मराज युधिष्ठिर उसका न्याय करते हैं। आत्मा के कर्मों का हिसाब देखा जाता है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और बुरे कर्मों का फल नरक होता है। यह जानकर हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर और यमराज का धर्म संवाद। गरुड़ पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और यमराज के बीच बातचीत का वर्णन है। यह बातचीत धर्म और कर्म के महत्व को उजागर करती है। यमराज बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, उसे दान पुण्य करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। घमंड, लालच और क्रोध जैसे बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। चित्रगुप्त, कर्मों के साक्षी। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त को यमराज का सहायक बताया गया है। चित्रगुप्त मनुष्य के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चित्रगुप्त की नजरों से नहीं बच सकता। यह जानकर हमें हमेशा अच्छे कामों में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे साथ यात्रा करते हैं। सेक्शन 5, पुण्यात्माओं की यात्रा प्रकाश और आनंद की ओर। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्यात्माओं को यमदूत आदर से यमलोक ले जाते हैं। उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होती है। यमलोक में उन्हें सुख और शांति का अनुभव होता है। धर्मराज युधिष्ठिर उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं। पुण्यात्माओं को स्वर्ग लोक में जगह मिलती है, जहां उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। सेक्शन 6, पापात्माओं का दंड नरक के भयावह दृश्य। यह दृश्य हमें उन भयानक परिणामों की याद दिलाता है जो पाप करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में पाप करने वालों को मिलने वाले दंड का भी वर्णन है। यह पुराण हमें बताता है कि कैसे पापियों को उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बुरे काम करने वालों को यमदूत बंधन में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत, जो यमराज के सेवक होते हैं, पापियों को पकड़कर नर्क की ओर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें भूख, प्यास और गर्मी का कष्ट सहना पड़ता है। यह यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है, जहां पापियों को अपने बुरे कर्मों का एहसास होता है। यमलोक में उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। यमराज, जो न्याय के देवता हैं, पापियों के कर्मों का हिसाब करते हैं और उन्हें उचित दंड देते हैं। उन्हें नर्क में कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह यातनाएं इतनी भयानक होती हैं कि पापियों को अपने कर्मों पर पछतावा होता है। यह वर्णन हमें बुरे कामों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और पापों से बचना चाहिए, ताकि हमें इस तरह की यातनाओं का सामना न करना पड़े। सेक्शन 7, कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। यह केवल एक चरण का अंत है और एक नए चरण की शुरुआत है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अनंत है और आत्मा इस चक्र में निरंतर घूमती रहती है। यह तो एक नई शुरुआत है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जैसे एक फूल मुरझाने के बाद फिर से खिलता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा फिर से जन्म लेती है और नया जीवन जीती है। यह नया जीवन पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। हर जन्म में आत्मा को नए अनुभव और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति पाना और परम शांति की अवस्था में पहुंचना। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। अच्छे कर्म हमें उच्चतर जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें निचले जीवन की ओर धकेलते हैं। कर्मों का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से हमें सुखी जीवन मिलता है और हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी खुशी और शांति का कारण बनते हैं। यह हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है, जबकि बुरे कर्मों से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। यह दुख केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। सेक्शन 8, मोक्ष, दुखों से मुक्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष का अर्थ है दुखों से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, हमें सांसारिक मोह माया का त्याग करना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह आत्मा के लिए परम शांति और आनंद की स्थिति है। सेक्शन 9, धार्मिक जीवन का महत्व। गरुड़ पुराण हमें धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए और बुरे विचारों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। धार्मिक जीवन जीने से हमें आत्मिक शांति मिलती है और हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 10, गरुड़ पुराण का संदेश, सदाचार और आत्मज्ञान। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है। यह हमें कर्मों का महत्व समझाता है और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें गरुड़ पुराण के संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही गरुड़ पुराण का सार है।